महाराष्ट्र के अगले सीएम हो सकते हैं? जब ये सवाल संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के बड़े नेता है, यानी कि शरद पवार दिल्ली के बड़े नेता है, आप उन्हें यहाँ महाराष्ट्र में क्यों लाना चाहते हैं? बता दें आपको कि महाराष्ट्र में किस किस सरकार बनेगी और किस दल के सहयोगी से बनेगी से लेकर स्थिति बेहद पेचीदा नजर आ रही है। शिवसेना अपनी सहयोगी बीजेपी को तेवर दिखा रही है तो एनसीपी के प्रति नरम नजर आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना एनसीपी के संपर्क में है। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो सकते हैं तो राउत ने उन्हें दिल्ली का नेता बताकर अपना जवाब घुमा दिया। संजय राउत ने शरद पवार के सीएम होने के सवाल पर कहा कि वो दिल्ली के बड़े नेता हैं, आप उन्हें यहाँ यानी कि महाराष्ट्र में क्यों लाना चाहते हैं? साथ ही संजय राउत ने ये भी कहा कि मेरी शरद पवार से बात हुई है और दूसरी पार्टियां भी उनके संपर्क में है, यानी शिवसेना भले ही बीजेपी से बगावत कर एनसीपी या कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने की मूड में हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है वो बीजेपी से लड़ रही है, उससे किसी किस्म का कंप्रोमाइज शिवसेना नहीं करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने बयान दिया है कि शिवसेना के किसी नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया है। हाल ही में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर शरद पवार ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत भी की और इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चर्चा होगी तो सिर्फ उद्धव ठाकरे से होगी। इस तरह शिवसेना और एनसीपी दोनों की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर दोनों दलों की बात कम से कम आधिकारिक तौर पर तो जाती दिखाई नहीं दे रही है। अब जो पेच फंसा हुआ है वो सीएम पद को लेकर महाराष्ट्र में अब किसकी सरकार बनती है देखना दिलचस्प होगा। SPN 9 न्यूज रूम से स्टूडियो की रिपोर्ट।